अब एक और रागनी आप लोगों के समक्ष बड़ी सुंदर सी। और सजनों सभी हर किसी के लिए गाते हैं, कोई औरतों के लिए गाता है, कोई बूढ़ों के लिए गाता है, कोई बच्चों के लिए गाता है, कोई नौजवानों के लिए गाता है, लेकिन ये रागनी स्पेशली हमारे पुलिस वालों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो आज का माहौल ऐसा हम कुछ काम नहीं कर पाते। एक बार जोरदार ताली बजा दो जो इन्होंने हमारे लिए प्रोटेक्शन दे रखे, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। और ये तो सच में ही हमारे रियल हीरो आप लोग होते हैं, नहीं तो कोई नहीं होता। आइए किस प्रकार से ये अपने परिवार को छोड़ के हमारी रक्षा करते हैं और हर काम हमारे हर चीज जिसकी चीज की भी दिक्कत हो हमारी दिक्कत दूर करते हैं। लेकिन एक चीज है जिसकी दिक्कत ये पूरी नहीं कर पाते, वो इनकी बीवियां, उनकी दिक्कत ये कभी दूर नहीं कर पाते क्योंकि उनको हमेशा इनसे कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। और इनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि इनके नखरे बहुत हो जाते हैं और इतने नखरे वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाती। के तो पुलिस वालियों की फौजी की बीवी बहुत खुश रहेगी और के बहुत दुखी रहोगी, ना तो कहने की रहोगी और ना छुपाने की रहोगी। आइए किस प्रकार से वो फौज अपने पति को चिट्ठी लिखती और बताती है और क्या कहने लग जाती है कि पिया जी तेरी हर बात अच्छी लेकिन एक बात अच्छी नहीं। और कैसे इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी मन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 रह जाती है। और आइए कैसे कहने लगी और क्या बताने लगी। हेलो, हाँ नखरिया ने खाली हो फौजी तेरे नखरिया ने खाली, नखरिया ने खाली हो फौजी तेरे नखरिया ने खाली, नखरिया ने खाली हो फौजी तेरे नखरिया ने खाली। सहलोत जी जिला पंचायत सदस्य अदौड़ नंगला से 2100 रुपए देकर के हमारी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद भाई। जिला पंचायत निधि भी रहती है, नेता भी है, पैसा वैसे भी कमाते हैं, लेकिन ये कलाकार और सरकार यानी कि पुलिस वाले किसी को पैसा देते हैं बहुत बड़ी बात है, ये सच्चाई है, बहुत बड़ी बात है। ये दरोगा जी भी 500 रुपए देकर के हमारी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारी टीम को आशीर्वाद दे रहे हैं, तहे दिल से हृदय से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए धन्यवाद। और कहने लगी कि पिया जी तू 2-3 दिन खतर घर ना आवे,
लेकिन वे दो तीन दिन में इतने नखरे दिखावा, इतने नखरे दिखावा है, ये मेरे तक बर्दाश्त नहीं होते। और कहने लगी पहली बात में कैसे क्या कहने लगे, तेरी बाट में पड़ी खाट में चिंता बरन मार गई, ना तू आया ना तेरा लेटर आस लगा के मैं हार गई, तेरी बाट में पड़ी खाट में चिंता बरन मार गई, ना तू आया ना तेरा लेटर आस लगा के मैं हार गई, तेरे बिना के न्यूए मन जरे जाना भी पड़ता है। जिंदगी दो दिन की हुआ करती, आज है कल नहीं कुछ नहीं पता। और लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि ना जाने कौन सी बात आखिरी हो और ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो, कि ना जाने कौन सी बात आखिरी हो और ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो, इसीलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, ना जाने कौन सी वो रात आखिरी हो। और आइए क्या लिखा, इश्क और प्यार का, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, आने वाले
आप लोगों की लाइफ बहुत बिजी होती है, लेकिन पूरे दिन में 2 मिनट काट के एक बार फोन जरूर कर लिया करूं। थोड़ा सबर शांति रहा करे, क्योंकि ये आदमी की जिंदगी की सच्चाई है कि कितनी औरतें आ जाए उसकी जिंदगी में, लेकिन जो साथ उसका उसकी बीवी दे सकती है वो साथ उसका कोई नहीं दे सकता। और कहने लगी कि जड़े एक बार तू टेलीफोन कर लिया करो, मेरा तो उसी में शांति है। और क्यों कर शांति है कि कहने लगी टेलीफोन करया मने बा देख ली खूब तेरी, जै मैं तेरे नहीं पसंद थी क्यों जिंदगानी खूब मेरी। सो टेलीफोन करया मने बा देख ली खूब तेरी, जै मैं तेरे नहीं पसंद थी क्यों जिंदगानी खूब मेरी। और जब आदमी ब्याह कर ले और गुजारा ठीक ठाक नहीं चले तो बहुत बड़ा पाप लग गया करे, क्योंकि एक औरत पूरी घर परिवार ने छोड़कर अपना बचपन छोड़कर एक आदमी के पास जाकर और वो राजी नहीं रखेगा तो के रखा फिर जिंदगी में, फिर कुछ नहीं रखा। कहने लगी तू बहुत बुरा काम कर रहा है मेरी गैल, और क्या कर रहा है दोष तेरे सिर इतना मत ना धरे। लिख लिख
ठिकाने और मालन पड़ गए मने आज मरद गिनाने। कहने लगे कि मालन जो धर्मशाला बाग बगीचे सरा होया करे ये आदमी के डटन खतर होया करे, लेकिन तने तो बहुत उल्टी सीधी बात कह दी। कहने लगे कि अपने बाग के दरवाजे पे आ जा, यहाँ तक तने एक एक मर्द तेरे बाग का अंदर तक गिना तले के जाऊंगा। आइए पहली बात में कितने मर्द गिनाए, क्या लिख दिया। मर्द कया करे और जहां सीलक सी पड़ जाया करे कि वो जनानी है उसने औरत कहा करे। आइए दूसरी बात में मर्द गिनाए और किस किस को मर्द बताया, कैसे क्या
कमर तो बता दिया, आइए जल्दी तो पूरी कर दो। वास होता है और कौन कौन मर्द हुआ करता है गोरंग के अंदर, आइए ये लिख दिया बताया गुरु जी। काला सूट पहन के स्कूल में कुछ चलती है अच्छा
यो तेरा काला सूट देख के मैं पेड़ के पीछे जाके खड़ा होके के कहता हूँ। पेड़ के पीछे? हाँ जी। क्यों डरा है तू? डरू ना, मेरे दिल में टुसमुस होती है। टुसमुस? हाँ जी। टुसमुस क्या बीमारी है? टुसमुस यानी कुछ कुछ। अच्छा सीधा कह देना फिर। सुन ले मेरी बात। हाँ कह दे। खटक जा क्या सूट तेरा काला अच्छा ये जम्मू बटवासा गोल रूप का ये बड़ी जोर का है। मैं बजाऊ भी बहुत जोर का हूँ। क्या बजाव है? मेरे पे ढोलक बजवा ले। अच्छा नगारा बजवा ले। अच्छा बाजा बजवा ले। बता ओए खटक क्या सूट तेरा काला ओए खटक क्या सूट तेरा काला सूट तो नहीं छोड़ूंगा। अच्छा चट्टा बरका ये ज्यादा मत बोलना तो तेरी नाक तोड़ दूंगी और यहाँ तो निकल जा
पतली गली से वरना तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगी पेप्सी नींबू अच्छी हई पूरा हई अरे हई 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 अरे हई आशिक को अनमोल प्यार दे आशिक मेरे जैसे मिलते हैं रोज हमको अगर सामने आए तो ठोकर से मार दे अच्छी हई पूरा हई पूरा हई 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 अरे हई सुन मेरी बात एक बात बताऊं तुझे कौन सी बात ये
गरीबों का हाथ है कातिया कातिया, अगर पड़ गया ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, मती हाई हाथ ले, मती हाई अरे हाई अरे हाई 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 है। ये की बीमारी ना आयु भी 13 साल से पुनः बढ़ा, कई दिन से भूखा बढ़ा कहते रारे ला
गब्बर सिंह नागर जी पूरे परिवार की तरफ से सभी कलाकारों को हौसला अफजाई करते हुए 1000 रुपए और देकर के हमारी टीम को हौसला अफजाई किया। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। आइए कर राजा।
भाई जब्बर सिंह नगर जी फिर से हर कलाकार का हौसला बजाई करें। राधा चौधरी जी के इस गाने पर खुश होकर के 500 रुपए देके टीम का हौसला बढ़ाए। बार बार तो धन्यवाद कैसे बता दिया। Yeah.
जब रोए सारे बजे नीर
जब तक जीव तेरा गुण गावेंगे हो जब तक